सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। इतिहास हम पढ़ रहे थे और इतिहास में तीसरा वीडियो और तीसरे वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी और सिंधु घाटी सभ्यता के अब प्रमुख स्थल आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझना एक एक को। इसके बाद आराम से इस वीडियो को देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है वो कौन कौन से। प्रमुख स्थलों में पहला स्थल वो हड़प्पा, प्रथम स्थल था जो हड़प्पा, कौन सा था? हड़प्पा। पहला स्थल हड़प्पा, हड़प्पा की खोज यानी स्थल उत्खनन करता कौन रहे और स्थिति इनकी क्या है, इनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हड़प्पा 1921 में इसकी खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई। हड़प्पा की जो खोज थी सबसे पहले 1921 में सन जॉन मार्शल, मैंने बताया था भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिर्देशक सर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था सन 1921 में। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में प्रथम जो स्थल था हड़प्पा, इसकी खोज की। ये स्थल पड़ता है पाकिस्तान के, कौन से? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिला, कौन सा जिला? मॉन्टगोमरी जिला, जिले के रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। एक चीज का ध्यान रखना है, तमाम स्थल है वो नदियों के तट पर ही हुई है, तमाम स्थल है वो नदियों के तट पर ही तैयार हुए हैं, उत्खनन हुआ है उनका। तो ये पहला स्थल था हड़प्पा, कौन सा था? हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर किया, ठीक है। दूसरा स्थान है मोहनजोदड़ो, कौन सा है? मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन है ये 1922 में हुआ, कब हुआ? 1922 में हुआ, राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ये पंजाब प्रांत था, इसमें सिंध प्रांत के ललकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर इसका उत्खनन कार्य हुआ, कौन सा स्थान? मोहनजोदड़ो। इसके बाद तीसरा स्थान है सूत कांगेडोर, कौन सा है? सूत कांगेडोर मैंने बताया था पाकिस्तान में पड़ता है और पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में पड़ता है। सूत कांगेडोर का जो उत्खनन हुआ 1923 में हुआ, कब हुआ? 1923 में इस स्थल का उत्खनन हुआ ऑरेल स्टीन द्वारा इसका उत्खनन किया गया। कहां? बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे पे दास की नदी के किनारे पर, ठीक है ना। इसके बाद चौथा स्थान है चहुंदड़ो, कौन सा है? चहुंदड़ो। ये सारे स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में, ठीक है ना। यहाँ तक चार नंबर चहुंदड़ो का 1931 में खोज की गई एन गोपाल द्वारा। इसका नाम है एन गोपाल मजूमदार, ठीक है, एन गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी उत्खनन किया गया। कहाँ किया गया उत्खनन? एन मजूमदार द्वारा पाकिस्तान में इसका उत्खनन हुआ। एन मजूमदार द्वारा पाकिस्तान में किया गया, कहाँ किया गया? पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे, कहाँ? सिंधु नदी के तट पर वहीं इसकी उत्खनन किया गया। इसके बाद पांचवा स्थान, अब ये भारत में आते हैं, पांचवा स्थान है भारत में जो राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। पांचवा स्थान कालीबंगा का जो उत्खनन है वो 1951 में, कब हुआ? 1951 में।
उसके द्वारा इसका उद्धरण किया गया। खा राजस्थान में, इसकी खोज राजस्थान में घग्गर नदी। अब राजस्थान में कहा पड़ता है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिला है। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले। ये कालीबंगा नामक जो स्थान है राजस्थान में कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे इसका उत्खनन कार्य किया गया। कौन सी नदी? घग्गर नदी। महत्वपूर्ण है राजस्थान से कालीबंगा, राजस्थान से जो काली रंग की चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं हमको, हवन कुंडियों के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य हमको मिले हैं यहाँ से। ये महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ से हम जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, काली चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंडियों के साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसलिए कालीबंगा 1951 में अभयानंद घोष के द्वारा खोज की गई। राजस्थान में, राजस्थान का कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला। और हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे कौन से स्थल की खोज की गई? कालीबंगा की खोज की गई। ठीक है, इसके बाद छठा छठा स्थान है रंगपुर। कौन सा है? रंगपुर। रंगपुर 1953 में किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा। किसके द्वारा? एस आर राव के द्वारा खोज की गई। ये स्थान कहाँ पड़ता है? रंगपुर। रंगपुर पड़ता है गुजरात का अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। अब गुजरात का जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद जिले के काठियावाड़ भाग में, अहमदाबाद जो है गुजरात के अहमदाबाद के काठियावाड़ में जो भाग है, काठियावाड़ जो क्षेत्र है गुजरात का, उस काठियावाड़ क्षेत्र में मादर नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे कौन से स्थल की खोज की गई? रंगपुर की गई। कौन से स्थल की गई? रंगपुर की गई। कब की गई? 1953 में खोज की गई। किसके द्वारा की गई? एस आर राव के द्वारा की गई। कहाँ की गई? गुजरात का अहमदाबाद का काठियावाड़ क्षेत्र है। कौन सा है क्षेत्र? काठियावाड़ क्षेत्र है। तो अहमदाबाद याद रखना है गुजरात में पड़ता है मादर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? मादर नदी के किनारे। इसके बाद सातवां है रोपड़। कौन सा है? रोपड़। रोपड़ 1953 में रोपड़ की खोज की गई। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। कहाँ की गई? पंजाब में। कहाँ की गई? पंजाब में। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद आठवां लोथन। लोथन, लोथन की खोज 1957 की गई। कब की गई? 1957 की गई लोथन की। लोथन किसने की? एस आर राव ने। एस आर राव ने की। कहाँ की गई? एस आर राव द्वारा कहाँ की गई? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात, अब जैसे गुजरात हो गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में की गई। कौन सी नदी? भोगवा नदी। याद रखना है भोगवा नदी, क्योंकि हमने पहले भी सुनाया है मादर नदी के किनारे किस स्थल की खोज की गई? रंगपुर की की गई। गुजरात अहमदाबाद मादर नदी के किनारे किस स्थल की खोज की गई? रंगपुर की की गई। वही क्वेश्चन आए रोपड़, क्वेश्चन आए रोपड़ तो पंजाब में की गई। कौन सी नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। लोथन, लोथन की खोज कहाँ की गई? अहमदाबाद की। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, इसके बाद नवा स्थान बनवाली। कौन सा? बनवाली। बनवाली 1974 में की गई। किसके द्वारा की गई? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट है, ये ध्यान रखना है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। कौन सा जिला? इसार जिला। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ये ध्यान रखना है हरियाणा में, हरियाणा। कौन सा जिला? इसार जिला। हरियाणा के इसार जिले में कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। वर्तमान में क्या हो गई? विलुप्त हो चुकी है, तो इसलिए हरियाणा में इसार में सरस्वती नदी के किनारे। कौन सा स्थान? बनवाली। ठीक है, इसके बाद आगे कौन सा स्थान? दसवां स्थान। कौन सा स्थान? धोलागिरा। कौन सा स्थान? धोलागिरा। स्थिति गुजरात। स्थिति कहाँ? गुजरात।
1967 जेपी शर्मा द्वारा, इसके द्वारा जेपी शर्मा द्वारा कहाँ की गई, गुजरात में की गई, कहाँ की गई गुजरात में की गई। राखी गढ़ी हाँ हरियाणा, कौन सा जिंद जिला कौन सा जिला जिंद जिला मीठा तरल। अब देखो ये भी इसके द्वारा सूरजवान और ये भी सूरजवान द्वारा उद्धरण किया गया हरियाणा में, ये भी हरियाणा, ठीक है। रोजकोट, राजकोट गुजरात, हरियाणा भिवानी, कौन सा जिला भिवानी जिला। इसके बाद पंद्रवा मांडा, मांडा जम्मू कश्मीर, अखनूर जिला, कौन सी नदी चिनाब नदी, ठीक है ना। जगपति जोशी द्वारा इसके बाद में दैमाबाद ये काफी गई प्रदेश की, दैमाबाद की महाराष्ट्र, काफी गई महाराष्ट्र, कौन सा जिला महाराष्ट्र के अहमदनगर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में
किनारे, नदी के किनारे, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के परवरा नदी के किनारे, ठीक है, इनको देख रहे हो तुम्हारे। देख लिया, अब देखो इनको देखने के बाद सिंधु सभ्यता का अवसान, अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का अवसान, यानी लुप्त कैसे हुए, खत्म कैसे हो गए सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान। अवसान में हम एक तरफ देखो कारण, एक तरफ कारण और दूसरी तरफ विद्वान, विद्वान अलग अलग विद्वान बने, कारण और विद्वान, यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कारण, कारण और विद्वान, यानी क्या कारण, कौन कौन से कारण, कौन कौन से विद्वानों ने दिए, आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण, आर्यों का क्या आक्रमण, पहला कारण आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण किसने कहा, मार्टियर वीडर, इसने कहा मार्टियर वीडर, इसने कहा मार्टियर वीडर ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के कारण क्या हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई, मार्टियर वीडर ने कहा इसको, इसने कहा मार्टियर वीडर ने कहा, बाढ़ के कारण, दूसरा बाढ़, दूसरा कारण रहा बाढ़, एक बार लिख लो, जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना, ऐसा सुहानी लिखो यहां बाढ़ के कारण, ऐसा सुहानी, ऐसा सुहानी के द्वारा बाढ़ के कारण खत्म हुई, ऐसा सुहानी ने कहा किसके कारण खत्म हुई, बाढ़ के कारण ये खत्म हुई, जलवायु परिवर्तन और इसने कहा है, इसने कहा है ऑरेल स्टीन ने कहा है, ऑरेल स्टीन ने क्या कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण, इसके कारण जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गई है, समाप्त हो गई, पारिस्थितिक असंतुलन, ये भी कारण रहा पारिस्थितिक असंतुलन की फेयर सर्विस के द्वारा, फेयर सर्विस ने कहा पारिस्थितिक असंतुलन,
देखो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के क्या कारण रहे, सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान कैसे हुआ, कारण और विद्वान ने बताए। अब अलग अलग कारण अलग अलग विद्वानों ने दिए, अलग अलग कारण किसने दिए, अलग अलग विद्वानों ने दिए। आर्यों का आक्रमण, ये कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण, मार्टिन विदर कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण कारण क्या हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, आर्यों का आक्रमण हुआ ये समाप्त हो गई, ये कौन मानते हैं, मार्टिन विदर मानते हैं। वही एसआर सहानी, एसआर सहानी क्या मानते हैं कि बाढ़ की, बाढ़ आई होगी और बाढ़ से वो सारी चीजें लुप्त हो गई, यानी भू संतुलन, भूमि पर बाढ़ आने के बाद भूमि का अवक्षय हो गया और जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया, तो बाढ़ का कारण इन्होंने माना, किसने माना, एसआर सहानी ने माना। वही जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन कौन मानता है, ओरेस्टीन, ओरेस्टीन कहते हैं, ओरेस्टीन के अनुसार जलवायु परिवर्तन हुआ है उसके कारण क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई, पता होगा इसका, ठीक है। पारिस्थितिक संतुलन, पारिस्थितिक संतुलन कौन मानते हैं, फेयर सर्विस, फेयर सर्विस नामक विद्वान क्या मानते हैं कि ये पारिस्थितिक असंतुलन हुआ है, पारिस्थितिक असंतुलन के कारण क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान हो गया। प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता कौन मानते हैं, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल जो महानिदेशक रहे भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, जॉन मार्शल क्या मानते हैं, जॉन मार्शल कहते हैं प्रशासनिक शिथिलता थी, यानी प्रशासन ढीला था और प्रशासनिक शिथिलता के कारण धीरे धीरे क्या हो गया, अवसान हो गया। वही प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन मानते हैं, कनड़ी, कनड़ी कहते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान हो गया, इसी कारण प्राकृतिक आपदा के कारण। सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, ये कौन मानता है, लैम्ब्रेक, लैम्ब्रेक क्या मानते हैं, लैम्ब्रेक मानते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन, किसका, सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन होने के कारण ये सभ्यता क्या हो गई, लुप्त हो गई। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का अवसान हुआ। अब हमने सिंधु घाटी सभ्यता का ये टॉपिक था हमारा, ये पूरा हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन हमने पढ़ा, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के हमने नगर नियोजन पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन पर भी हमने अध्ययन किया, उसके अलावा उसके प्रमुख स्थान सिंधु घाटी सभ्यता के वो हमने पढ़े, उसका विस्तार, उसका क्षेत्रफल पढ़ा और इसको समाप्त होने के क्या कारण, किन विद्वानों ने क्या कारण दिए, किन किन विद्वानों ने दिए वो हमने पढ़ा। इसी के साथ तुम्हारा ये सिंधु घाटी सभ्यता वाला टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद।